की खबर भी ग्वालियर से ही है। यहाँ आरक्षक ही भक्षक बन गया है। आरक्षक ने पहले सोशल मीडिया में दोस्ती की, सरकारी नौकरी और शादी का झूठा वादा किया, फिर रेप किया और शादी से मुकर गया। अब पीड़िता ने एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट देखिए। एसपी कार्यालय पहुंची पीड़ित युवती का आरोप है कि आरक्षक से उसकी दोस्ती सोशल मीडिया में हुई थी। आरक्षक ने सरकारी नौकरी लगवाने और शादी करने का झांसा दिया। अपने जन्मदिन में युवती को होटल बुलाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर वारदात को अंजाम दिया और अश्लील फोटो वीडियो बना लिए। जब युवती ने शादी के लिए आरक्षक पर दबाव बनाया तब आरक्षक ने शादी से साफ इनकार कर दिया और अश्लील फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी है। सर, इसने जॉब का आश्वासन दे के और शादी का आश्वासन दे के मेरे साथ सर गलत काम किया। बोलता शादी करेंगे और सब अब मना कर रहा है, अब धमकियां दे रहा है। सर, जान से मारने की इसने कहीं और सगाई कर ली। पूरे एक महीना होने पे आ गया, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे ये लोग। इधर पुलिस अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अभी मेरे संज्ञान में मामला आया है, मैं दोनों पक्षों को सुनूंगी। थोड़ा सा जांच का विषय है, तस्दीक करूंगी। तस्दीक करने के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसके विरुद्ध की जाएगी। आरक्षक शेड्यूल में पदस्थ है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।